वेलकम फ्रेंड्स इन कुकिंग स्कूल। फ्रेंड्स अभी अभी सातम आठम का त्योहार आ रहा है और सातम के दिन अक्सर हर घर में ठंडा खाना खाया जाता है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम सॉफ्ट और टेस्टी मेथी थेपला और साथ में चटाकेदार दही का रायता की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 400 ग्राम गेहूं का आटा जिसे हम रोटी बनाते हैं, एक कप मेथी, एक कप पालक, धनिया लिया है एक कप, आधा कप हरा लहसुन, दो चम्मच दही और दो चम्मच बेसन लिया है। अब ये सारी हरी भाजी को हम अच्छे से धोकर निचोड़ लेंगे और लहसुन की पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से धोकर एक बड़े बर्तन में ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधा चम्मच हींग, साथ में एक चम्मच हरे लहसुन की पेस्ट और एक चम्मच सूखे लहसुन की पेस्ट डालकर ये सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, जिससे ये सारे मसालों का टेस्ट भाजी में अच्छी तरह आ जाए और आटा गूंथते वक्त हमें ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत ना पड़े। ये मेथी और पालक डालने से थेपला में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन आप अपने टेस्ट के अनुसार इसे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये मिक्स हो गया है, अब डाल देंगे आटा, थोड़ा रहने देंगे, साथ में बेसन डालकर हल्का सा मिक्स कर लेंगे। आटे को हमें मीडियम ही रखना है, ना ज़्यादा कड़क ना नरम, जैसा हम पराठा बनाने में रखते हैं, और पानी भी जितनी ज़रूरत हो उतना ही डालेंगे, वरना आटा नरम हो जाएगा। तो अब बाकी बचा आटा डाल देंगे इसमें और साथ में 4 चम्मच तेल डालकर इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप ये थेपला को किसी के भी साथ खा सकते हैं, चाय के साथ या आलू की भाजी और दही के साथ, लेकिन दही और केले के रायते के साथ इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत टेस्टी लगता है ये रायते के साथ। अब इसमें दही डालकर मिक्स कर लेंगे। थेपला के आटे में दही डालने से थेपला एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनता है और आप इसे सफर में भी साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन तक ये बिगड़ता भी नहीं है और दही डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो आधा कप जितना पानी डालेंगे और मिक्स करके आटा तैयार कर लेंगे। आप देख ही सकते हैं हमने इसमें सारी हरी हरी चीज़ें ज़्यादा ही डाली है, जिससे थेपला दिखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट के साथ हेल्दी भी बनता है। तो आटे को गूंथ लिया है मैंने, अब दोनों हाथों से इसे थोड़ा मसल लेंगे और 1 चम्मच तेल डालकर चिकना कर लेंगे। आटे को थोड़ा मसलने से थेपला एकदम सॉफ्ट बनता है और ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट ही रहता है, और सातम के दिन ठंडा थेपला को दही के रायते के साथ खाने का तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आटा तैयार हो गया है, देखिए बिल्कुल ऐसा आटा रखना है आपको। अब ढककर इसे 10 मिनट तक रहने देंगे ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए, और 10 मिनट के बाद ढक्कन को खोल लेंगे। देखिए ये सेट हो चुका है, अब 1 मिनट इसे फिर से मसल लेंगे। अब इसमें से थोड़ा सा आटा लेकर थेपला बनाने के लिए मीडियम साइज़ की लोई तैयार कर लेंगे। मैं इसे मीडियम साइज़ का ही बना रही हूँ, आपको जो साइज़ पसंद हो उसी हिसाब से लोई बनाएं। तो लोई बना ली है, चलिए अब इसे बेल लेते हैं। और मैंने ये सूखा आटा लिया है, पहले लोई के ऊपर सूखा आटा लगा देंगे और इसे मीडियम साइज़ का और मीडियम थिकनेस वाला बेल लेंगे। आप इस तरह से थेपला का आटा तैयार करेंगे तो बेलते वक्त ये फटेगा भी नहीं, क्योंकि हमने सारी हरी चीज़ों की सिर्फ पत्तियाँ ही डाली है। तो ये 1 थेपला मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं। चलिए अब इसे सेक लेते हैं। तो मैंने तवा गरम कर लिया है, अब तवे के ऊपर थेपला डाल देंगे और लो टू मीडियम गैस पर पलटते हुए इसे सेक लेंगे, जब तक कि इसके ऊपर अच्छी सी डिज़ाइन ना आ जाए। तो ये दोनों साइड हल्का सा सिक चुका है, अब इसके ऊपर थोड़ा तेल डालकर फैला लेंगे, जिससे तेल पूरा थेपला के ऊपर आ जाए। जब भी आपको थेपला बनाना हो तो एक एक बेल कर इसे सेकते जाएंगे, तो ही आपका थेपला एकदम अच्छा बनेगा। अगर आपने इसे एक साथ बेल कर रख दिया तो ये थोड़ा सूखा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद भी हल्का सा कड़क रहेगा। तो ये दोनों तरफ सिक चुका है और इसके ऊपर अच्छी सी डिज़ाइन आ गई है, इसे निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी आटे में से थेपला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने थेपला बनाकर तैयार कर लिया है, चलिए मैं आपको 1 थेपला दिखाती हूँ। देखिए एकदम सॉफ्ट और मुलायम बना है ये। अगर किसी को दांतों की प्रॉब्लम हो तो वो भी इसे आसानी से खा सकते हैं,
चलिए अब हम रायता बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कप मीडियम खट्टा दही लिया है। इसमें डाल देंगे एक चम्मच सरसों का दरदरा पाउडर, एक चम्मच रायकुरिया, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, एक चम्मच नमक, दो हरी मिर्च के टुकड़े, थोड़ा हरा धनिया और ये मैंने एक केला के छिलके निकाल कर टुकड़े कर लिए हैं वो डाल देंगे और साथ में मोटी वाली सेव डाल देंगे और ये सभी चीज़ों को बराबर मिक्स कर लेंगे। याद रहे जब भी आपको रायता खाना हो तब भी ये सारी चीज़ें दही में डालकर मिक्स कर ले और सेव भी ऐसी थोड़ी मोटी ही ले। अगर आपने बारीक वाली सेव डाली तो दही में जाते ही ये नरम हो जाएगी। और इसमें सरसों और काली मिर्च पाउडर डालना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि इसे डालने से रायता आसानी से हजम हो जाता है। अब इसमें थोड़े अनार के दाने डाल देंगे और आधे घंटे तक इसे फ्रिज में रखकर ठंडा कर लेंगे क्योंकि ठंडा ठंडा रायता खाने का बहुत मज़ा आता है। ये एकदम परफेक्ट डिश है और इसके साथ आपको किसी और चीज़ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हमारी टेस्टफुल डिश बनकर तैयार है और मैंने इसे मेथी के तड़के वाली मिर्ची और सिकी हुई मिर्ची के साथ सर्व कर लिया है। तो आप भी हमारी ये ट्रेडिशनल रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट में बताना तो बिल्कुल मत भूलना कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।